ठीक वही झटका चीन को आज फिर से लगा है, जिस झटके ने भारत के G20 में चीन की नींदें उड़ा दी थी। G20 में चीन पर, भारत की तरफ से चीन पर जिस तरह हमलों की बारिश से हो गई थी, उससे चीन अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था, तभी चीन पर एक और पहाड़ टूट पड़ा है। चीन पर अब ऐसी आफत आई है कि वो नींद में भी भारत से माफी मांगेगा। बात यह है कि अमेरिका के भारत पर कनाडा जैसे आरोप लगा देने के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में खटाई आ गई है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक बाद क्वाड बैठक की मेजबानी करने की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जबकि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर विस्फोटक आरोप लगाए गए हैं, तो माना जा रहा है कि बाइडेन भारत दौरा कैंसिल कर देंगे, यानी कि उस क्वाड की बैठक नहीं हो पाएगी जो खास चीन की डाइट करने के लिए बनाया गया। और साथ ही साथ अमेरिका चीन में भी कुछ संबंध सुधर रहे हैं, अभी हाल ही में दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। इसी बात से चीन हवा में उड़ रहा था, चीन के पर निकल आए हैं, चीन उछल रहा है। लेकिन इस खुशी में चीन भूल गया कि भारत अकेला ही उसके लिए काफी है। अब चीन के पर काटने के लिए भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि ड्रैगन सिर पर हाथ रखकर बैठ गया है। आपको बता दें कि G20 में चीन पर हुए धमाकों की बारिश में एक इटली का धमाका भी था। भारत और इटली के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते लगातार काफी मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच की दोस्ती कितनी मजबूत है, ये एक बार फिर से दुबई में देखने को मिला है, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। इसी बीच एक तस्वीर भी आई जिस पर लोग अपना अपना अलग मतलब निकाल रहे थे, लेकिन इसका सही मतलब ड्रैगन ही समझ पाया। और इस तस्वीर के सामने आते ही चीन के कलेजे में आग लग गई, क्योंकि इसके बाद आने वाला तूफान चीन को उड़ा देने वाला है। माना जा रहा है कि भारत और इटली के बीच बढ़ती गहरी दोस्ती चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के लिए बड़ा झटका है। इटली ने हाल ही में चीन के लिए घातक संकेत दिए हैं कि चीन की परियोजना BRI से वो पीछे हट गया है, यानी चीन का सबसे बड़ा सपना टूट गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर गहरी चर्चा की गई। और एक चर्चा ऐसी भी हुई जो चीन का कलेजा फाड़ रही थी। जाहिर है इटली का BRI से निकलना भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, और इसे मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। आपको बता दें कि इटली के BRI प्रोजेक्ट से निकलने से चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। पहले तो आशंका ही जताई जा रही थी कि इटली चीन के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन अब यह पक्का हो गया है कि भारत की जीत हो चुकी है। इसके अलावा अर्जेंटीना और भारत के बीच भी संबंध मजबूती के दायरे से निकलकर डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्जेंटीना ने भारत के तेजस फाइटर जेट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, और बहुत संभावना है कि भारत और अर्जेंटीना के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर डील हो जाए, मतलब एक तीर से दो निशाने और दोनों से भारत की ही जीत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेटिक रिश्तों को पर्सनल रिश्तों में भी तब्दील करते हैं, और उन्होंने कई वैश्विक नेताओं के साथ निजी रिश्ते बनाए हैं, जिनमें ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और बोल्सनारो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जैसे नेता शामिल रहे। और अब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी प्रधानमंत्री मोदी की करीबी दोस्तों में शुमार हो गई है। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता बताया था। बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और इटली के बीच 75 साल से राजनयिक संबंध है, लेकिन रक्षा संबंध नहीं रहे, जिसकी अब शुरुआत की जा रही है। और इसी बैठक के दौरान भारत और इटली के बीच स्टार्टअप ब्रिज की भी घोषणा की गई थी, यानी इटली से भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत जोड़ने निकल पड़ा है। इस बार चीन पर ऐसा प्रहार हुआ कि चीन का सबसे बड़ा सपना मिट्टी में मिलने जा रहा है। मौजूदा हालात में क्वाड के भविष्य पर अंधकारमय बादल मंडरा रहे हैं, जिसे चीन पहले से ही दंतहीन संगठन कहता रहा है। चीन ने हमेशा से कहा कि क्वाड कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब भारत से इस तरह की मार पड़ने के बाद चीन को समझ आ रहा है कि चाहे क्वाड हो या ना हो, भारत अकेले ही चीन की खटिया खड़ी कर सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।